गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्टिविटी फ्रॉम क्लास 8। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ करके टेस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमने यहाँ पे एक कॉपर वायर लिया है, कॉपर कॉयल लिया है, वाटर लिया है और कॉपर सल्फेट लिया है और एक कंपास नीडल का यूज़ करके हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके टेस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें हमने कॉपर वायर को मैग्नेटिक नीडल के चारों तरफ रैप किया है और फिर उस कॉयल के दूसरे एंड को किया है वाटर में डाला है, डिप किया है और इस वाटर में ऑलरेडी हमने कॉपर सल्फेट मिक्स कर रखा है। मीन्स वी हैव फॉर्म्ड अ कंडक्टिंग सोल्यूशन। दूसरी तरफ इस कॉयल के वायर को हमने निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। ये निगेटिव टर्मिनल हमने जोड़ रखा है पावर सप्लाई में। ये हमारी पावर सप्लाई 1.5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक का करंट सप्लाई करती है। दूसरा जो इसका टर्मिनल है, इसको हम डायरेक्ट पानी में डालेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करती है जब इस पानी में से वाटर करंट फ्लो करता है। आप देख सकते हैं कि अभी मैग्नेटिक नीडल में किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है। ये अपनी नॉर्मल स्टेट में है, रेस्टिंग स्टेट में है, जो कि अर्थ के मैग्नेटिज्म में इफेक्ट कर रही है। अब इसमें हम कंडक्टिंग वाटर में जब पॉजिटिव टर्मिनल को डिप करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन शो होता है। हमें दिख नहीं रहा होता है। हो रहा है ना? यस सर। बस बंद कर दो वीडियो। तो ये क्लियर हो गया? यस सर। फॉर्म